तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे आए हो इस वीडियो में तो मतलब आपने ठान लिया है कि आपको लेना है पोस्टपेड सिम, बट आप कंफ्यूज हो कि आपको लेना है एयरटेल या जियो। तो इस वीडियो में मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि आपको कौन सा सिम लेना चाहिए, जियो या एयरटेल। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम कौन सा प्लान यूज करते हैं, हमने क्या क्या कंसीडर करा उस प्लान को लेने से पहले, और क्यों हमने एक कंपनी का प्लान लिया रादर देन दूसरी कंपनी का। और अगर उससे पहले आपको जानना है कि कौन कौन से प्लान ऑफर करते हैं, एयरटेल, जियो और वी, तो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई इस पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो आई बटन में और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसे कैटेगरी वाइज बताएंगे। सबसे पहले होंगे वो लोग जो अपने प्रीपेड सिम से पोस्टपेड में आना चाहते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए और उनको डेटा बचाना है, क्योंकि उनको 2GB 3GB जो पर डे का है कभी जल्दी खत्म हो जाता है और उनको नेक्स्ट डे डेटा की जरूरत होती है। दूसरे वो लोग जो अपनी फैमिली के लिए एक प्लान चुनना चाह रहे हैं, उसमें आपको एडिशनल फैमिली सिम मिलते हैं और आप लोग सारे एक बिल शेयर करते हो। और तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर से छतरियां उड़ा दी है और वो लोग पूरा कंटेंट OTT सर्विसेज से कंज्यूम कर रहे हैं और जिनके एरिया में अब तक कोई भी फाइबर नहीं आया है। तो अगर आप प्रीपेड से पोस्टपेड में स्विच करने सोचो सिर्फ इसलिए क्यों आपका नेट पूरा नहीं लगता किसी दिन और किसी दिन आपको पूरे ज्यादा नेट की जरूरत हो जाती है, तो ये प्लान हैं आपके लिए। तो इसमें सबसे अच्छा जो प्लान है वो है जियो का 399 का। इसमें आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं 75GB नेट, 200GB रोल ओवर, और जो इसमें सर्विसेज आपको मिल रही है वो है नेटफ्लिक्स मोबाइल, Amazon प्राइम एक साल के लिए, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP, जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो सावन, मतलब दोस्तों सब कुछ मिल जाएगा आपको। अब अगर हम बात करें एयरटेल की और उसे कंपेयर करें उसके 399 प्लान से, तो उसमें आपको कुल 40GB मिलता है और सिर्फ उनका एयरटेल एक्सट्रीम मिलता है। और सेम बेनिफिट्स के लिए आपको एयरटेल का 499 का प्लान लेना पड़ेगा जिसमें आपको 70GB मिलेगा और एडिशनल बेनिफिट आपको मिलेंगे Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP, मिंक म्यूजिक वगैरह, इनका खुद की सर्विसेज है तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो और आपके इसमें जियो के नेटवर्क बिल्कुल खराब आते हैं तभी एयरटेल को कंसीडर करना, नहीं तो सबसे वैल्यू फॉर मनी प्लान आपका जियो का 399 का ही है। अब बात करते हैं अपने सेकंड कैटेगरी की, ये वो लोग हैं जो अपने फैमिली का बिल भरना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपने ठान लिए कि आपको अपने पूरे फैमिली की जिम्मेदारी उठानी है, सबका बिल भरना है, तो ये फैमिली वाले प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। अब जो ये प्लान्स हैं ये 999 के हैं एयरटेल और जियो के। अब जियो में आपको मिल रहा है 200GB नेट पर मंथ और 500GB रोल ओवर डेटा, तो अगर आप 200 को 4 से डिवाइड करते हो तो 50GB पर पर्सन आएगा रफली। अब घर वाले इतना नेट यूज नहीं करते तो उसमें भी थोड़ी आपकी बचत होगी, तो आपको नियरली अपने और अपने भाई के लिए या बहन के लिए 2GB पर डे नेट मिल जाएगा, तो काफी अच्छी डील है। प्लस इसमें आपको OTT सर्विसेज जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे मिलेंगे। बट अगर हम बात करें एयरटेल की, तो आपको सेम प्लान में इसमें आपको 150GB नेट मिल रहा है। अब 4 लोगों के लिए पड़ेगा रफली 1.3GB, तो मतलब इसमें आपको 500 भी कम मिलेगा, प्लान सेम है। तो अगेन अगर आप सोच रहे हो अपने फैमिली के लिए लेना और अगेन जियो के अगर बिल्कुल खराब नेटवर्क नहीं आते, तो सबसे बेस्ट प्लान है आपके और आपकी फैमिली के लिए। प्लस जियो की 4G कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा है इस वक्त इंडिया में, तो इसमें ऐसे कोई नेटवर्क के इश्यूज नहीं आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, वो है हैवी डेटा यूजर्स। तो ये प्लान है 1499 का जियो का और 1599 का एयरटेल का। अब इसमें जियो में मिलता है आपको 300GB डेटा प्लस 500GB रोल ओवर और एयरटेल में मिलता है आपको 500GB नेट विद 200GB रोल ओवर। जियो में OTT सर्विस है कि नेटफ्लिक्स मोबाइल, Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP और उनके जो अदर एप्स हैं वो मिलेगी। साथ ही साथ में आपको जियो में मिलेगा US और UAE में अनलिमिटेड वॉइस और डेटा। तो दोस्तों अगर आपको बहुत ज्यादा आना जाना लगा रहता है US और UAE में, तो सबसे बेस्ट प्लान है आपके लिए, आप इसे आंख बंद करके ले सकते हो। और एयरटेल में जो आपको सर्विसेज मिल रही है Amazon प्राइम एक साल के लिए और डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP, साथ ही साथ में आपको 3 महीने का YouTube प्रीमियम भी मिलता है और इसमें अपना इसका विंग म्यूजिक और एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम भी मिलता है साथ में। अब इस कैटेगरी में आते हैं हम जैसे लोग। मैं अपना सारा कंटेंट ऑनलाइन कंज्यूम करता हूं, डिश तो मैंने पता नहीं कब से खोली भी नहीं है, और साथ ही साथ हमें अपने YouTube के लिए कंटेंट डाउनलोड करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमें काफी नेट चाहिए था, तो हमने ऑप्ट किया है एयरटेल का। अब इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। तो पर्सनली मेरा 500GB नेट पर मंथ लगता है। अब फर्स्ट मंथ की अगर बात करें तो मैंने अपना 500 में से 200GB बचा लिया था, वो मेरे को रोल ओवर में मिल गया। सो नेक्स्ट मंथ मेरे पास था 700GB। अब अगर मेरा मंथली यूजेज है 500GB, तो मेरे को हर महीने 200GB रोल ओवर मिल जाता है। बट अगर मैं सेम चीज को कंसिडर करूं अपने जियो के काउंटर पार्ट में, तो उसमें मुझे इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं 300GB नेट बचा भी दूं तो मुझे 300 ही रोल ओवर होगा। अगर मैं अगले महीने कुछ 100GB यूज करूं फिर और 200 बचा लूं, तो टोटल 500GB रोल ओवर होगा, 300 और मिलेगा तो हो जाएगा 800। मुझे पता है दोस्तों बहुत खतरनाक थी मैथ से, बट एक मिनट मेरे साथ जुड़े रहना। अब आपने 800GB इकट्ठा कर लिया है 3 महीने के बाद और अगेन आप नॉर्मल यूजेस पे आ जाते हो मेरे तरह 500GB के, तो नेक्स्ट मंथ आपको ओनली 300 मिलेगा। बट अगर आपको 500 मिलता तो फायदा होता, बट आपको कुल 300 मिलेगा, तो मतलब 600GB, फिर आप 500GB यूज करोगे, फिर 100GB, और फिर नेक्स्ट मंथ आपको कुल 100GB बचेगा, फिर 300 मिलेगा, तो 400 टोटल, और आपका लगता 500, तो आप माइनस में पहुंच गए फिर से। अब पर्सनली मुझे लगता है भले ये 100 रुपए सस्ता है, बट इतना इसका फायदा नहीं होता।
ये उल्टा होना चाहिए था, 500 GB नेट मिलना चाहिए था और 300 GB रोल ओवर होता तो सबसे बढ़िया प्लान होता ये, बट ऐसा नहीं है तो इसलिए मैंने एयरटेल को ऑप्ट करा। अब मैं मानता हूं भली एयरटेल की सबसे कम अपलोड स्पीड है जियो वी और एयरटेल में से, बट इसकी डाउनलोड स्पीड सबसे ज्यादा है। जियो एक कंसिस्टेंट नेटवर्क है, जितनी अपलोड आती है उतनी डाउनलोड आती है, दोनों ज्यादा नहीं है, बट अब कंपटीशन में एक और सिम आ चुका है वो है वी। तो अगर आप जियो और एयरटेल के अलावा एक बारी के लिए वी पे ट्रस्ट कर सकते हो तो उसका 699 का और 1099 का जो प्लान है सबसे बेस्ट है। अनलिमिटेड डेटा आपको नेटफ्लिक्स मिलता है 1099 में पूरा, बट के इस प्लान में कैच है, आप 6 महीने से पहले अगर वी को लीव करते हो उनके जो रेड एक्स प्लान है उसमें तो आपको 3000 पेनल्टी भरनी पड़ती है। बट दोस्तों वोडाफोन आजकल सबसे बेस्ट चल रहा है, सबसे अच्छी उनकी अपलोड स्पीड तो है, डाउनलोड स्पीड भी जियो से ज्यादा अच्छी है, एयरटेल के बिल्कुल बराबर में है। दोस्तों मैं खुद जियो यूज करता हूं अपना प्रीपेड सिम और मैं आपको बताया पोस्टपेड में एयरटेल यूज करता हूं, बट मैं बहुत जल्द अपना जियो को करा रहा हूं वी में उसे अच्छे से टेस्ट करने के लिए, और अगर वो अच्छा रहा तो मे बी मैं वी पोस्टपेड में स्विच कर लूंगा, क्योंकि अनलिमिटेड डेटा दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा रोकता हूँ अपने आप को, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कंटेंट कंज्यूम एकदम भर के होगा। तो दोस्तों ये तो थे मेरे रेकमेंडेशन, तो अगर आप अपने लिए यूज़ कर रहे हो तो जियो कर लो, फैमिली के लिए ले रहे हो तब भी जियो कर लो, बट अगर आप कंटेंट कंज्यूम करने के लिए ले रहे हो जैसे आपको स्मार्ट टीवी वगैरह में देखना है तो एयरटेल का सबसे बेस्ट है, बट वी भी काफ़ी तेजी से वापस आ रहा है तो उसको जरूर कंसिडर करना। और दोस्तों ये प्लान उनके लिए है जिनके एरिया में अभी भी फाइबर नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि अच्छा मैं फाइबर लगवा लूँ ये लगवा लूँ, तो दोस्तों लगवा लो, सबसे बेस्ट वही है। आप एक छोटा सा प्रीपेड प्लान ले लो या आप एक छोटा सा पोस्टपेड प्लान भी ले लो जियो का और मस्त फाइबर लगाओ उसे चलाओ, बट ये उन लोगों के लिए जहां पे फाइबर नहीं पहुंचा है। और दोस्तों एक और चीज, ये सारे प्लान जितने मैंने बताई विदाउट जीएसटी है तो इसमें सब में 18% जीएसटी लग के आपको मंथली बिल आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के इतना ही, होपफुली हमने आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर दी होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कुछ गलत लगा हो वीडियो में तो वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या पसंद नहीं आया, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। बढ़िया चाय, सर्दियों में चाय के बिना काम नहीं चलता।